तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो पूरा देखें। जानते हो जिसकी हिफाजत कर रहे हो वो क्या है लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना उसका पेशा है तुम तो मेरे इंसाफ की फिक्र छोड़ो इंस्पेक्टर और जाओ अपने कानून की सारी ताकत उसकी हिफाजत पर लगा दो लेकिन वो बचेगा नहीं मैं उसे मार दूंगा आज ही मारूंगा उसे आज ही घायल एक क्राइम एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिसको रिलीज़ किया गया था 22 जून 1990 में 120 स्क्रीन के साथ इस फिल्म में हमें नज़र आए थे सनी देओल, मीनाक्षी शेषाद्री राज मूसमी चटर्जी अमरीश पुरी ओम पुरी कुरभूषण खड़बंधा शब्बीर खान सुरेश बेरी अन्नू कपूर जैक गार्ड शरद सक्सेना दीप दिलोन शाफी ईमानदार और विजू कोटे फिल्म की स्टोरी लिखी थी राजकुमार संतोषी ने और डायरेक्ट भी किया था राजकुमार संतोषी ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था धर्मेंद्र ने और फिल्म में डायलॉग दिए थे दिलीप शुक्ला ने वहीं म्यूजिक दिया था बप्पी लहरी ने फिल्म के अंदर टोटल छः गाने रखे गए थे जिनके बोलते प्यार तुम मुझसे करती हो माहिया तेरी कसम माहिया तेरी कसम सड़ ये प्यासी जवानी है सोचना क्या सोचना क्या सैड वजन फिल्म के अंदर इन सभी गानों में अपनी आवाज़ दी थी अमित कुमार एस जानकी पंकज उदास लता मंगेशकर कुमार सानू सबीर और आशा भोसले ने अब बात करते इस फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में इस फिल्म का बजट रखा गया था दो करोड़ पचास लाख रुपये और इस फिल्म ने फर्स्ट डे कलेक्शन किया था अट्ठारह लाख रुपये अगर इस फिल्म के फर्स्ट वीक के कलेक्शन की बात करें तो वो था एक करोड़ पैंतालीस लाख रुपये और इस फिल्म ने इंडिया नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था नौ करोड़ पचास लाख रुपये इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था इक्कीस करोड़ रुपये और ये फिल्म वर्ल्ड एक में ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी उस टाइम ये उन्नीस में दूसरी हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म थी और इस फिल्म को आई एम 7.6 सेवन पॉइंट सिक्स आउट ऑफ टेन मिले हुए हैं अब बात करते हैं इस फिल्म से जुड़े कुछ अनकाउंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में ये फिल्म आमिर खान की फिल्म दिल के साथ क्लैश हुई थी और ये क्लैश दोनों की पहली क्लैश थी इसके बाद भी उन्नीस में और 2001 में भी टकराई थी उन्नीस की फिल्म सन्नी देवल की घातक और आमिर खान की राजा हिंदुस्तानी का क्लैश था और 2001 में सनी देओल की फिल्म गदर और आमिर खान की फिल्म लगान का भी क्लैश हुआ था राजकुमार संतोषी ने इस फिल्म की कहानी कमल हशन को माइंड में रखकर लिखा था लेकिन तब तक उनको कोई भी प्रोड्यूसर नहीं मिला था जब राजकुमार संतोषी ने इस फिल्म की कहानी धर्मेंद्र के पास लेके गए तब धर्मेंद्र ने एक शर्त रखी थी कि इस फिल्म में सन्नी देवल हो गए तो राजकुमार संतोषी मान गए थे इस फिल्म का सिक्वल 26 साल बाद सन 2016 में रिलीज हुआ था जिसका टाइटल घायल वंस अगेन रखा गया था और इस फिल्म को कुछ सन्नी देवल ने ही डायरेक्ट किया था धर्मेंद्र से पहले इस फिल्म को सुबह राव प्रोड्यूस करने वाले थे लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी थी कि इस फिल्म में संजय दत्त को लिया जाए लेकिन तब तक संजय दत्त के पास डेट नहीं थे इसलिए उन्होंने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया था इस फिल्म के मोहरत क्लैप को धर्मेंद्र ने किया था और तब वहाँ सनी देओल की माँ भी मौजूद थी सुरेश बैरी से पहले उनका रोल के के रैना करने वाले थे लेकिन कुछ कारण से बाद में उन्हें फ़िल्म से हटा दिया गया था सनी देओल इस फिल्म में डिम्पल कापाड़िया को लेना चाहते थे लेकिन धर्मेंद्र ने मना कर दिया था ये फिल्म राजकुमार संतोषी की डायरेक्टर और राइटर की डेब्यू में फिल्म थी इस फिल्म के बाद देओल परिवार और मौसमी चटर्जी के बीच लड़ाई हो गई थी कहा जाता है कि घायल शूटिंग के दौरान मौसमी चटर्जी ठीक से कॉपरेट नहीं कर रही थी जिसके चलते ही देओल्स और मौसमी के बीच बहस होती रहती थी ये भी कहा जाता है कि देओल्स ने सक्सेस पार्टी में मौसमी चटर्जी को नहीं बुलाया था जिसके बाद मौसमी चटर्जी ने मीडिया में देवल के प्रति नाराजगी दिखाई थी संदी देओल ने इस फिल्म के लिए श्रीदेवी को भी अप्रोच किया था लेकिन डेट न होने के कारण उन्होंने मना कर दिया था परिरंत में मीनाक्षी शेषाद्री को लिया गया था इस फिल्म का रिमेक बाद में तमिल तेलुगु और कन्नड़ा में भी बनाया गया था घायल के तमिल रीमेक का टाइटल बरातन तो तेलगुड़ी मेक का टाइटल गमम्य था और कन्नडा डॉमेक का टाइटल विश्वा था जब राजकुमार संतोषी को कोई प्रोड्यूसर नहीं मिला था तब उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती को भी ये फिल्म का ऑफ़र दिया था मिथुन चक्रवर्ती इस फिल्म में काम करने के लिए राज़ी हो गए थे लेकिन जब ये फिल्म धर्मेंद्र के पास पहुंचा था तो धर्मेंद्र ने मिथुन से रिक्वेस्ट किया था कि वो इस फिल्म से हट जाए तब मिथुन और धर्मेंद्र काफ़ी अच्छे दोस्त रहे थे इसलिए दोस्ती की खातिर मिथुन इस फिल्म से हट गए थे इस फिल्म में अशोक की बॉडी को बीच सड़क में फेंक दिया जाता है और सन्नी देओल जोर ज़ोर से रोते हुए चिल्लाते हैं ऐसा ही सेम टाइप का सीन मसाल फिल्म में भी था जब दिलीप कुमार की पत्नी मरते रहती है और दिलीप कुमार सड़क पर मदद के लिए चिल्लाते रहते हैं इस फिल्म के रिलीज़ होने के बाद सुरेश बैरी बहुत उदास हुए थे क्योंकि राजकुमार संतोषी ने उनसे कहा था कि फिल्म में उनका रोल बड़ा होगा लेकिन राजकुमार संतोषी ने उनके बहुत से सीन को फिल्म से हटा दिए थे सुरेश बैरी ने मीडिया के सामने राजकुमार संतोषी के प्रति अपनी नाराज़गी दिखाई थी इस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड सन्नी दियोल को बेस्ट फिल्म का अवार्ड धर्मेंद्र को और बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट स्टोरी का अवार्ड राजकुमार संतोषी को दिया गया है नॉमिनेशन में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड ओम पुरी को दिया था साथ ही बेस्ट आर्ट डायरेक्टर नीतीश रोय बेस्ट क्रियोग्राफर रजन कोठारी और बेस्ट एडिटर वी एन मेलकर को भी फिल्मफेयर अवार्ड से नवाजा गया था तो ये थी 1990 में आई घायल फिल्म के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। वाले 24 घंटों में तुम्हारे 24 टुकड़े करके हर टुकड़े का अलग अलग अंतिम संस्कार